बाजार में हुई हिंसा के बाद इस पर चल रही सियासत के बीच प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि इस घटना के बाद से प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। गृह मंत्री होने के बाद भी मैं इस बात को कह रहा हूं, प्रदेश के पूरे जिले में क्या स्टैंडर्ड पुलिसिंग होना चाहिए और इस पर काम हो रहा है, शीघ्र ही इसे सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार के मामले में एसपी और कलेक्टर को निलंबित कर दिया गया है, उनकी घोर लापरवाही की वजह से ऐसा किया गया है। घटनाक्रम के बारे में जितने भी वीडियो मिले हैं उनसे बहुत सारी बातें स्पष्ट होती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ और भी बातों का फीडबैक मिला है जिससे कई चीजें स्पष्ट हो रही है, उनकी भी जांच की जा रही है। इस घटना के बाद पुलिस महकमा पूरी तरह से सजग है। जी, घोर लापरवाही के कारण ऐसा किया गया है। वीडियो जितने प्रकाश में आए उसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट होती हैं, कुछ और भी बातें फीडबैक आई जिसकी स्थिति जिससे बहुत स्पष्ट हुआ, इसलिए जांच की भी कार्यवाही की जा रही है। कानून व्यवस्था पर इस घटना के बाद सवाल उठना लाजमी है। मैं गृहमंत्री होने के बाद भी इस बात को कह रहा हूँ, और ऐसे नहीं पूरे ही जिलों में क्या इसके संदर्भ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, इस पर भी काम हो रहा है और शीघ्र ही उसको सभी जिलों में लागू किया जाएगा।